हाय यार साजन मैम, यू आर वाचिंग पार्ट टाइम मोबाइल स्टोर यूट्यूब चैनल। टुडे आज हम जो बताएंगे कि वीवो की वारंटी कैसे चेक की जा सकती है यूज मोबाइल की, जब आप खरीदने जाते हैं मार्केट में। जरूरी है अगर वो शॉप वाला बता रहा है ठीक बता रहा है या गलत बता रहा है, आपको क्या बता है इसके लिए कि वीवो की वारंटी किस तरह चेक की जाती है, आज हम उसी के बारे में बताएंगे आपको। इससे पहले हमारा पार्कटेल मोबाइल स्टोर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पर हैं तो हमारा पेज लाइक कर लें, ताकि आपको ओप्पो, सैमसंग, बाकी जो अदर कंपनी हवावे, इनके भी हम आपको बताएंगे कि चेक वारंटी किस तरह चेक की जाती है, ताकि आपको पता चल सके आपका नुकसान ना हो। ओके, आप चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह हम इसकी वारंटी वीवो की चेक की जाती है। जी यस, अब हम फाइनली आपको बताएंगे मोबाइल पर कि आप वीवो के मोबाइल की चेक वारंटी कैसे किए करते हैं। तो आपने फाइनली ये देखे मोबाइल पे आना है, आने के बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले आपने ये जो ऐप्स होती हैं इन ऐप को आपने ऐसे करना है, और यहाँ पे एक आपको एप्लीकेशन नज़र आएगी जो कि वीवो की तरफ से होगी, जिसपे इस तरह का आइकॉन बना होगा, ये नीचे लिखा होगा vivo.com। आपने वहाँ पे ऐसे क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे और तो जैसे आप क्लिक करेंगे ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी, उनकी वेबसाइट आ जाएगी वीवो की आपके सामने, और उसमें वेबसाइट में आपको कुछ फेमस मॉडल बताए जा रहे होंगे जो कि मौजूदा टाइम में अवेलेबल होंगे, उनके प्राइस वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपने लास्ट पे जाना है, लास्ट पे आपकी वारंटी शो हो रही होगी, ये देखिए वारंटी कार्ड शो हो रहा है जिसमें लिखा गया है ई वारंटी चेक। वियर, एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, जब आप मोबाइल बाय करने लगे न्यू बुक्स पैक, तब भी आप वारंटी को चेक जरूर करें। अगर आप बुक्स पैक मोबाइल ले रहे हैं, अगर वो रीपैक हुआ तो उसकी वारंटी पहले से शुरू होगी, जिस तरह मैंने बताया इसी तरह आपने जाके वारंटी को चेक करना है। व्यूअर्स, ये देखें अब ये आपके सामने आ गया ई वारंटी चेक कार्ड, ई वारंटी कार्ड। ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ है September 5, 2021, इसका मतलब है जो हमारी वारंटी है वो 5 सितंबर 2021 में ख़त्म हो गई है। इसका मतलब ये हुआ जब ये मोबाइल बाय किया गया था, एक्टिव किया गया था, उस वक्त 5 सितंबर 2020 था। जब भी आपकी वारंटी होती है वो 1 ईयर आगे शो हो रही होती है, जिस पे आपने आपकी वारंटी ख़त्म होनी होती है वो 1.5 शो हो रही होती है। इसके अलावा इसमें ई वारंटी कार्ड में ये मोबाइल का मॉडल लिख दिया होता है, और मोबाइल का IMEI नंबर दिया होता है, और ये आपका मुकम्मल ई वारंटी कार्ड्स होता है जहाँ पे आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मजीद भी उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आप यहाँ से रेट देखना चाह रहे हैं वीवो के और चीज़ देखनी चाह रही है। हाँ, यहाँ से डायरेक्टली आप वीवो की सपोर्ट सेंटर देख सकते हैं, अगर आपको वारंटी का कोई इशू आता है, आपको मोबाइल क्लेम करवाना है, तो आप यहाँ पे जाके इसकी जो ऑफिशियली सपोर्ट है वहाँ से जाकर भी आप इसके बारे में, उसके लिए आपके पास अकाउंट होना ज़रूरी है इसका। जी व्यूअर्स, आपने फाइनली आपको बता दिया है कि आपने वारंटी चेक किस तरह करनी है। अगर आप वीवो मोबाइल या ओप्पो मोबाइल या सैमसंग मोबाइल किसी की भी वारंटी चेक करना चाह रहे हैं व्यूअर्स, तो हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, अगर फेसबुक पर है तो लाइक कर लें, अगर आप ट्विटर पर हैं तो भी आप इसको फॉलो कर लें, अगर ये टिकटॉक पे है तब भी फॉलो कर लें, नीचे लिंक दिए हुए हैं सबको फॉलो कर लें, जिसमें हम आपको मोबाइल की से रिलेटेड अपडेट्स और आपको बताते रहेंगे आपके, ताकि आपके लिए इलम में इजाफा होता रहे, बाकी कंपनियों के लिए भी। हाँ, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिएगा, लाइक के बगैर ना जाइएगा। हाँ, हमारी इस वीडियो को अगर अच्छी लगी, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें। बहुत ही जल्द अगली वीडियो में मिलते हैं, उस वक्त के लिए अपने उस साजिद महमूद से इजाजत, गुड बाय।